हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रिल मशीन के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी यूज करते हैं ड्रिल मशीन को तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक की ज़रूर देखना आएगा। ड्रिल मशीन के हम आपको वाट चेक कराएंगे और इसका एम्पेयर भी चेक कराएंगे और इसका पावर फैक्टर भी चेक कराएंगे, ये सारा कुछ चेक कराएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी भी जो ड्रिल मशीन होगी वो भी आप समझ पाएंगे कितने वाट की होती हैगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है इसरार, आप देख रहे हैं टेक मिनी प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे 6 इन मीटर है मेरे पास, और ये चाहते हैं परचेस करना तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आसानी से जाके परचेस कर सकते हैंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहेंगे ये एक भाई के लिए है, और उन्होंने मेरे पास कमेंट किया कि ये ड्रिल मशीन के बारे में बताइए ये पूरा करेक्ट कितना वाट लेती हैगी। और हमने सोचा क्यों ना हम इस पर एक वीडियो बना देते हैंगे और आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहेंगे, ये देखिए मेरे पास एक ईंट है और इसी ईंट में हम एक छेद करेंगे और फिर हम देखेंगे कितने वाट है। और पहले हम सादी चलाएंगे, इसके हम वाट देखेंगे और एम्पियर देखेंगे, फिर हम जब ईंट में इसके जो है होल करेंगे तो उसमें भी यहाँ पे अलग वाट देखेंगे, मतलब जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो उससे ज़्यादा वाट यहाँ पर देखने को मिलते हैंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आपको पता है मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका प्लग देख रहे होंगे, ये देखिए, और अभी हम इसका प्लग भी लगा के दिखाएंगे कि इसमें देखते हैं प्लग लगाने में कितने वाट लेता है। तो चलिए यहाँ पर रॉन्ग लगा दिया, इधर लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इसके वाट देख सकते हैंगे, यहाँ पे 00 वाट है, मतलब अभी कोई वाट नहीं ना। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इसके वाट, इसको चालू करने में नॉर्मल हालत में कितने वाट कंज्यूम करता है। तो देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे 18 रुपये, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे 183 वाट यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, और इसका एम्पियर है 0.79 का एम्पियर है। पावर फैक्टर काफ़ी अच्छा है, 0.97 का पावर फैक्टर है। तो दोस्तों आपने देखा, जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया था 183-82 यहाँ पे इसके वाट दिख रहे थे, और पावर फैक्टर 97 का था, 0.97 का, और इसका एम्पियर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब ये पावर फैक्टर काफ़ी अच्छा इसका होता है। और अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं होल करके और वहाँ पे हम देखेंगे कितने वाट यहाँ पे लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ईंट रख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हम इसको होल करेंगे और इसके वाट आप चेक कर सकते हैंगे। पहले मेरे पास 181 वाट और 82 वाट देखने को मिल रहे थे, अब हम इसमें देखेंगे कितने वाट यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें 220 वाट खाली ले रहा है, 20 वाट ज़्यादा ले रहा है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो एक घंटे में आपके 220 वाट कंज्यूम करेगा। तो ये आपकी ड्रिल मशीन के हिसाब से है, और हर ड्रिल मशीन ऐसी नहीं होती हैगी, कोई कोई ड्रिल मशीन होती हैगी जो 220 या 230 या 500 वाट की होती हैगी, लेकिन जो हमने आपको ड्रिल मशीन को चेक कराया हैगा वो पूरे 220 वोल्ट की वाट की हैगी।